वेलकम बैक टू राइडर ड्रीम्स, और जहाँ पे मैंने अपना पहला व्लॉग खत्म किया था इस ट्रिप का, अब यहाँ से दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो अब बने रहिए, वास्को डिगामा तक, ग्वाप तक हमें जाना है। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड हार्ड नाइट मैंने वास्को डी गामा में ओयो के अंदर रूम बुक कर लिया, एंड फाइनली वो रूम कंफर्म भी हो गया। मैं अभी उसी रूम के अंदर हूँ। जो रूम की चेक इन है वो 12 बजे से थी, एंड कल रात से ही हम लोग बेघर थे। हम रूम होटल के अंदर 9 बजे आ गए, एंड यहाँ पे मैं सोफे पे 3 घंटा सो गया था। एंड मैं अभी आपको रूम बताता हूँ, रूम इज़ वेरी गुड। सो ये ट्विन बेडरूम है, दिस वन, ये यस दिस इज अ गोस्ट लाइट, एंड रूम तो अच्छा है, एंड जिस तरह से पैसे लिए गए उसके हिसाब से रूम इट्स ओके। 1600 का ये रूम आया इंक्लूडिंग द ब्रेकफास्ट, तो हम लोग ब्रेकफास्ट भी कल सुबह में यहाँ से ही करके निकलेंगे। एंड अभी बहुत भूख लगी है, बहुत थकान भी आ रही है, तो मैं कुछ खाता हूँ सोता हूँ उसे क्लिप आए। सो गया था, एंड अभी मैं सो गया था। मैंने अभी जिस हीटर मंगाया पानी गर्म करने के लिए, भैया खुश रखा गर्म पानी को लेकर, तो मैंने पीटर प्रोवाइड किया है। बाइक जिस पे हम आए हैं यहाँ पे, एंड मैं आपको बता दूँ कि सच में ये बाइक ने बहुत तकलीफ दी है। हमारी भी कुछ गलती कि हमने ओवरलोड सामान, बड़े बड़े 3 बैग एक्सपेक्ट किए कि हम इजीली कैरी करके लेके जाएंगे, जिसकी वजह से राइड तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन इतने थक गए ना ये बड़े बड़े बैग उठा के, क्या बताया यार। खाना खाने के लिए निकले हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ पे होटल है कहाँ पे नहीं, तो लेट्स सी अभी तो हम ढूंढ रहे हैं। और जहाँ तक इस ट्रिप की बात करूँ ना, तो जो बजट बनाया था हमने उससे कई सारा पैसे खर्चा हो रहे हैं। मुझे पता है न्यू ईयर के हिसाब से होटल सब बात जो फुल है, और जो मिल रहे हैं वो भी बहुत कम मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, इसकी वजह से पैसे बहुत खर्चा हो रहे हैं। बट अभी मैं एक टारगेट रखूँगा, बहुत लाइक उतने रेंज के अंदर ही हमें होटल ढूंढना है, ज़्यादा रेंज के अंदर नहीं ढूंढना है। दो होटल में पूछे, दोनों होटल में थाली ख़त्म हो चुकी है। अब ये अल शमा होटल है, इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं। अभी दुआ करो यार मिल जाए, बहुत भूख लगी है। ऐसा है, एक चिकन मसाला हाफ टी बटर ना, और एक चिकन तंदूरी, बहुत भूख लगी है। और जब बढ़ते थे तो हम लोग कॉफी लेते हैं, तो अच्छी होटल मिल गई। ये बाइक का निकल गया, और बार बार जाके नर्ड, ये
टेढ़ा भी हो गया है, जिसकी वजह से ये स्क्रू भी पूरी तरह से टाइट नहीं हो रहा है। आपको इसको कैसे भी करके यहाँ पे चिपकाना होगा। तो आप स्विमिंग पूल अभी मैं अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ, और मैं और रूपेश ने ये प्लान कर रखे 600 किलोमीटर की जो राइड थी उसके अंदर तो बहुत ही बुरी तरह से लग चुके हैं। तो अभी जो बाकी की राइड है वो किस तरह से प्लान करती है, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, अगर कंटिन्यू करना है तो मोड ऑफ ट्रैवल कौन सा रहेंगे, बाइक से ही करना है या बाइक यहाँ पे रखें किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रैवल से जाना है। तो लेट्स सी, अभी गूगल के ऊपर पूरा सर्च करता हूँ। डे वन से हमारे साथ जो हुआ उसके बाद में तो बाइक से चिकमंगलूर जाने का ख्याल तो दिलो दिमाग में नहीं था, इसलिए एक बार मैं चेक कर रहा था कि बस से वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, बाइक यहाँ पे रख के। तो लंच के बाद हम ये होटल में आए थे, वापस से खाना पीना खा के लाइक सो गए इधर। ये सुबह से मेरा तीसरा स्लीप था, उसके बाद भी लाइक गोली खा के सोया हूँ, थोड़ा असर तो है, लाइक जो पेन है वो बहुत कम है, थोड़ा फ्रेशनेस मुझे लग रहा है। एंड अभी कल का प्लान तो मुझे नहीं मालूम कि हम लोग कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास टाइम है एटलीस्ट उसके अंदर जो वास्को की स्पेशलिटी है, जो यहाँ का बहना बीच है एंड एक चर्च है यहाँ पे है और एक हर्बर है, वो तीनों चीज़ देख के आते हैं। आई नो कि अंधेरा हो गया कुछ दिखेगा नहीं, बट होटल के रूम के अंदर बैठने से अच्छा है कि एटलीस्ट स्टेप आउट करें, थोड़ा बाहर निकले और जगह को एक्सप्लोर करें। अब मेरे से जितना हो सकता है मैं वो दिखाऊंगा, यहाँ के एटलीस्ट नाइट लाइफ ही आपको दिखा दूंगा मैं। सो बाद में मिलते हैं। वैसे मन तो ज़रा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। एंड ये देखिए मेरे होटल का एंट्रेंस। स्टार्टिंग सुबह सुबह में मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि मैं बहुत थक गया था, चिड़चिड़ा हो गया था और यहाँ पे ये जो सोफ़ा था यहाँ पे सो गया था। एंड बाइक जो है मेरी वो साइड में मैंने खड़ी रखा हूँ। अच्छी अंधेरा तो हो चुका है पर लुकिंग वेरी नाइस। होटल से जस्ट ये 2 से 2.5 किलोमीटर था और 8 मिनट के अंदर यहाँ पे आ भी गए। फीस तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं कि कैमरा जस्टिस कर पाएगा कि भी नहीं। अभी जैसे ये देखिए जो 3 कलर्स आपको दिख रहे हैं रात का और जो आधी सुबह है वो समझ, ये चांद है और ये भी कोई प्लैनेट है, बट कौन सा प्लैनेट है मुझे नहीं पता। मार्स तो नहीं है लेकिन ये जुपिटर हो सकता है। और ये गोवा का बीच बहुत सुंदर है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इतने फॉरेनर तो आपको देखने नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे लोकल्स बहुत हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोकल्स हैं, बट आप फिर भी इंजॉय करोगे। लाइक अब मुझे तो एंजॉय करना ही पड़ेगा, इतना कुछ गंदा हो गया है ना ये ट्रिप पे मेरे साथ कि ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लग रही। एटलीस्ट थोड़ी देर सुकून से बैठूंगा। मुझे नहीं लगता ऊटी अपने बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ लगता है ना, ऊटी बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं हम खाना खाने के लिए जा रहे, जो पहले गए थे वो ऐसे ही घूमने के लिए थे बीच पे, बट हम फिर से होटल में आ गए थे। एंड अभी मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, रुपेश को खाना खाना है। तो अभी पता नहीं आगे हिसाब किताब कैसा है गोवा के लिए। अरे तो क्या हुआ तेरा, बहुत ये है इसको वो बंद ही है आज, मुझे पता नहीं। यहाँ पे ना मुंगिया बहुत ज़्यादा है, सब एक्सेसरीज पे जो भी हमारी एक्सेसरीज है सब मुंगिया हो गई है। अरे फोन किधर है, देयर इज माय फोन। अबे रुक, तेरे पास ही था रे। एंड ये मैंने आईपॉड भी लेके आया, कुछ अभी तक काम तो नहीं आया, रात में सो जाऊंगा मैं। सुनते चल, रात को खाने के लिए हम ज़्यादा दूर नहीं गए, पास ही में ये होटल था नॉनवेज होटल, तो यहाँ पे ही हमने जो हमारा लंच सॉरी जो डिनर है ये किया। एक्चुअली मैंने तो कुछ नहीं खाया, मेरे दोस्त ने ही सब खाया। पता नहीं अभी मैन्यू देखा देखा नहीं, बट सारा का सारा चिकन का, मुस्लिम होटल है तो सारा का सारा चिकन मटन वगैरह। देखते कुछ अच्छा रहेगा तो खा लूँगा, नहीं तो मेरा तो पता नहीं गोवा वाले बिरयानी को क्या समझते हैं। यहाँ की जो बिरयानी होती है वो लाइक कुछ
जो मसाले वाले चावल और कुछ नॉर्मल चावल मिला देते हैं, मसाले वाले भी नहीं, ये इससे आपको सुबह दे देंगे मसाले नॉर्मल चावल और नीचे है यही सुबह के जो मिक्स चावल होते हैं तो वो और बिरयानी से नहीं कहते मुंबई में आओ हैदराबाद में आओ बिरयानी के हैदराबाद तो ऐसे फिर भी बहुत नज़दीक है, पता नहीं उन लोगों ने इससे भी क्यों नहीं सीखा बिरयानी बनाना। बोलते इतना कुछ बोला वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो इसी के साथ में मैं अपना डे टू का जो व्लॉग है वो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।